प्रिय भक्तगणों, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हम बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों से मिले हैं, बहुत सारे लाखों रुपए हमने खर्च कर दिए मगर हमें कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने ये उपाय बताया तो किसी ने वो उपाय बताया मगर कोई भी उपाय हमारे ऊपर कारगर नहीं हो पाया। तो मैं आप सभी लोगों का ध्यान इस बात के लिए आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान में मान लीजिए 1000 एस्ट्रोलॉजरों का सैंपल मैं उठाता हूं कि 1000 एस्ट्रोलॉजरों के बारे में हम बात करें तो हर 1000 एस्ट्रोलॉजरों में से 900 सवा 900 950 तक एस्ट्रोलॉजर फ्रॉड निकलते हैं। उन्हें कोई एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं होती। कोई पुखराज की अंगूठी यहां पहना देता है तो पन्ने की साथ में ही यहां पहना देता है, कोई पुखराज यहां पहना देता है तो साथ में ही नीलम यहां पहना देता है या गोमेद यहां पहना देता है, कोई रूबी यहां पहना देता है तो गोमेद यहां पहना देता है। अरे वो एस्ट्रोलॉजर जिसे इतना नहीं पता कि कौन सी उंगली में कौन सा रतन पहनाया जाता है, किस पर्पस से पहनाया जा रहा है, तो वो बाकी चीजों के बारे में क्या जानेगा। तो मैं आज आपको सच्चा एस्ट्रोलॉजर आप कैसे ढूंढे उसके बारे में आपको छोटा सा ट्रिक बताता हूं जिसके द्वारा बिना किसी परेशानी के एक सच्चे एस्ट्रोलॉजर तक पहुंच सकते हैं। जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर से, मंदिर में बैठने वाले पंडित से, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा रख क्यों ना हो, आप उसके पास अगर अपनी जन्म कुंडली दिखाने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले उसके बारे में इंक्वायरी करिए, उससे खुद ही पूछिए कि आपका बड़ा बेटा क्या करता है, छोटा बेटा क्या करता है, बेटी क्या करती है, दूसरी बेटी क्या करती है, केवल केवल उसके परिवार के ये चार बच्चे बताओ, उसके बच्चों के बारे में पूछना है। अगर उसने अपने बच्चों को अपनी एस्ट्रोलॉजी की मदद से नीट की परीक्षा क्लियर करा दी हो, आईआईटी जेईई की परीक्षा क्लियर करा दी हो, सीए के क्लियर एग्जाम्स क्लियर करा के सीए बना दिया हो, आईएएस आईपीएस आईपीएस आईआरएस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता दिला दी हो, वो भी हर एक बच्चे को, किसी को इंजीनियर बना दिया, किसी को डॉक्टर बना दिया, तो निश्चित रूप से जिस एस्ट्रोलॉजर ने अपने बच्चों को अपनी एस्ट्रोलॉजी के बल पर उनको बचपन से इतना मजबूत किया है कि वो आज नीट की परीक्षा में सिलेक्ट होकर डॉक्टर बन रहे हैं या आईआईटी जेईई के थ्रू इंजीनियर बन रहे हैं या सीए के एग्जाम्स क्लियर करके सीए बन रहे हैं, बन चुके हैं, या आईएएस आईपीएस की परीक्षा क्लियर कर चुके हैं या इसी तरह का कोई अन्य किसी एमबीए के एग्जाम्स गेट के थ्रू क्लियर कर चुके हैं, तो ऐसे सभी एस्ट्रोलॉजर आप निसंदेह जान लेना कि या पंडित जो मंदिर बैठने वाले हैं वो योग्य व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने बल पर अपने बच्चों के करियर को इस मुकाम तक पहुंचा दिया, वो भी सभी बच्चों का। केवल ऐसा ना हो एक को हो गया हो बाकी तीन का कुछ ना हुआ हो, दो का कुछ ना हुआ हो, या एक का हो गया हो एक का कुछ ना हुआ हो, या फिर किसी को पैसे के बल पर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया हो, किसी को पैसे के बल पर डॉक्टरी कॉलेज में एडमिशन करा दिया हो, नहीं ये लोग नहीं। तो जिस पंडित ने, ब्राह्मण ने अपने ज्ञान के बल पर या जिस एस्ट्रोलॉजर ने अपने ज्ञान के बल पर अपने बच्चों को, सभी बच्चों को, मतलब उसके दो बच्चे हैं तो दोनों को, तीन बच्चे तो तीनों को, एक बच्चे तो उसको, चार बच्चे तो चारों बच्चों को कैरियर इस प्रकार से बना दिया है, ये नहीं कि तो उसने पैसे के बल पर उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा दिया या किसी लल्लू पंजू कॉलेज से एमबीए करवा दिया, पेपर सीएस की तैयारी करा दी। वो एस्ट्रोलॉजरों की या वो ब्राह्मणों की या वो पंडितों के ज्ञान की मैं बात नहीं कर रहा। तो उन जब हम हजार एस्ट्रोलॉजर या ब्राह्मणों के पास जाते हैं या पंडितों के पास जाते हैं तो उसमें से अमूमन 50-60-70 लोग ही मुश्किल से ऐसे निकलते हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है और उन्होंने अपने एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान के बूते पर अपने बच्चों का करियर बना दिया है। तो निसंदेह वो आपका करियर बना देंगे, आपकी परेशानियों को दूर कर देंगे, आपको मदद करने में समर्थ हैं। तो ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से समाज का उद्धार करने के लिए जन्म लेते हैं। आप कभी भी मत झिझकिएगा उनसे ये सवाल करने में, क्योंकि आप अपना भविष्य उनके हाथ में देने जा रहे हैं, आप अपनी की मतलब उनकी सलाह मानकर बहुत कीमती हो सकता है रतन पहनने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए। और इसके अलावा भी जब हम उन 60 लोगों को 70 लोगों को प्राप्त कर लेते हैं, उनमें से कोई एक हमारे नसीब से हम उनसे टकरा जाते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि उन्होंने एस्ट्रोलॉजी का तो ज्ञान है, डेफिनेटली उन्होंने साबित कर दिया आपको अपने बच्चों की पढ़ाई, लेकिन क्या उनको ये ज्ञान है, मतलब उन्होंने कोई साधना करी हुई है,
मतलब विशेष रूप से क्योंकि हमारे जीवन को जो सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं नवग्रह प्रभावित करते हैं, तो क्या नवग्रह के मंत्रों की साधना करते हैं वो नित्य प्रति? उन 60 में से जब आप बात करेंगे तो हार्डली एक या दो व्यक्ति ऐसे निकलेंगे जो नित्य प्रति मंत्रों की साधना करते हैं और वो समर्थ हैं एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ आपको उन रत्नों की अंगूठियां पहनाकर मंत्र सिद्ध कर प्राण प्रतिष्ठा जागृत कर आपके भविष्य को उज्जवल बनाने में। ऐसे सभी एस्ट्रोलॉजर निसंदेह सराहनीय हैं और ऐसे एस्ट्रोलॉजरों के या ब्राह्मणों के द्वारा या विद्वान पंडितों के द्वारा आपका आपके परिवार का अवश्य ही भला हो सकता है। अब मगर अब आपको ऐसे 1000 एस्ट्रोलॉजरों में से उस एक दो एस्ट्रोलॉजर तक पहुंचना है, क्योंकि आधा मान लीजिए एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया और आपने फिर क्या किया, कोई अंगूठी खरीदी बाजार से बनवाई और किसी मंदिर में पंडित जी के पास गए, पंडित जी जरा इसकी जरा पूजा कर देना, पंडित जी ने भी और आपने 2100 रुपये उनके हाथ में रख दिए, पंडित जी ने भी घंटी बजाई भगवान जी के आगे घुमाया, भगवान जी के चरणों में 2 मिनट रखी और आपको हाथ जोड़ के दे दी, ये लीजिए पकड़िए, हो गया पूजा। नहीं, किसी भी अंगूठी को मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित जागृत करने की प्रॉपर विधि है। उस विधि के द्वारा ही केवल वो व्यक्ति जो निरंतर उन मंत्रों की नवग्रह मंत्रों की मतलब सभी नवग्रह देवताओं के मंत्रों की नित्य प्रति साधना करते हैं वही समर्थ हैं। और ऐसे व्यक्ति तो अगर जमीन से मट्टी उठाकर भी आपके माथे पे तिलक करेंगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। तो यही है फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर की पहचान। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मेरे 2 बेटे हैं, दोनों ही IIT JEE के थ्रू क्लियर, मतलब बीटेक एमटेक वो भी थ्रू आउट स्कॉलरशिप गवर्नमेंट से लेकर, एक एमटेक करने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में, दूसरा भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, मगर उसने इस कोरोना काल में अपनी फाइनल ईयर से जो पहले ही मेरे को इंटर्नशिप के रूप में 1,80,000 रुपये प्रति महीने कमा कर दिए। IIT के जो एडवांस्ड एग्जाम था उसमें 701 रैंक पाई, साथ ही साथ BIT पिलानी का एग्जाम कंप्यूटर साइंस के लिए क्लियर किया, एडमिशन प्राप्त किया, मगर मैंने एडमिशन वहां नहीं कराया, मैंने ना IIT में भी एडमिशन नहीं कराया, IIT दिल्ली में एडमिशन करा के वापस ले लिया क्योंकि उसे कंप्यूटर साइंस में नहीं मिला था IIT दिल्ली में, तो फिर मैंने उसे NSIT दिल्ली में एडमिशन कराया जो इस समय दिल्ली का सेकंड नंबर का इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट माना जाता है गवर्नमेंट का और जिसकी IIT के लगभग समकक्ष ही रेपुटेशन है। और साथ ही साथ मैं पिछले 32 सालों से मंत्रों की साधना कर रहा हूं, समस्त नवग्रह मंत्रों की नित्य प्रति साधना करता हूं, आराधना करता हूं, उनको यहां पर ध्याता हूं। तो परम पिता परमात्मा और भगवान शनिदेव जो साक्षात मेरे सामने ही विराजमान है, उनके आशीर्वाद की वजह से आज मैं आप लोगों की मदद करने में समर्थ हो चुका हूं। तो आज मैं समर्थ हो चुका हूं आप लोगों की मदद करने में, आपकी सभी प्रकार की परेशानियां, चाहे वो संतान से संबंधित हो, संतान की पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, करियर से संबंधित हो, आपकी संतान न होने की समस्या से प्रॉब्लम हो, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम हो, आपको नौकरी व्यापार प्रमोशन सरकारी नौकरी इंटरव्यू ट्रांसफर कर्जे की समस्या या जीवन साथी का ना मिल पाना या जीवन साथी से वाद विवाद की स्थिति होना या विभिन्न प्रकार की क्रोनिकल डिसीज है जहां डॉक्टर भी हार मानने लगते हैं, उनसे संबंधित बीमारियों में भी मैं मदद पहुंचा रहा हूं पूरी दुनिया के लोगों को। आप समय समय पर जो रिव्यू हमारे वीडियोस के दौरान लगाए जाते हैं उन रिव्यूज को देखकर आप बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। तो कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर या ब्राह्मण या पंडित के पास अपनी जन्म कुंडली लेकर जाएं तो इस बात को उनको जन्म कुंडली दिखाने से पहले आप उनसे क्वेरी करिए, आपका राइट बनता है, आप अपने लाखों रुपए उनके ऊपर उनके कहने से खर्च करने जा रहे हैं, चाहे वो पूजा बता रहे हैं, चाहे आपको वो अंगूठी पहनने को कह रहे हैं या कोई और उपाय बता रहे हैं। आजकल तो एक चलन चल पड़ा है बकरे की बलि कर देंगे, 2 बकरों की बलि हो जाएगी तो आपका काम दूर, ये धूर्त लोगों के काम है जो बकरे की बलि मुर्गे की बलि उल्लू की बलि के नाम पर आपको उल्लू बना रहे हैं या स्यार सिंगी जैसी चीजों का हवाला देकर आपको उल्लू बना रहे हैं। ऐसे सभी अधर्मियों से जो सिर्फ जिनका मकसद आपके पैसों को लूटना है, ऐसे लोगों से सावधान रहिए।